स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो किसानों की समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, आम रूटीन में कोई ना कोई समस्या सामने आती रहती है और वो उसका निवारण जल्द से जल्द चाहते हैं। वैसे भी आम आदमी के जीवन में भी अब उनके रोजमर्रा के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है, उसी प्रकार से किसानों के जीवन में भी समस्याएं का आना लगभग तय ही रहता है, मगर सढ़ौरा क्षेत्र के किसानों की समस्याएं कुछ ज्यादा ही नजर आती हैं, क्योंकि कुछ न कुछ दिन के पश्चात सढ़ौरा क्षेत्र के किसान किसी न किसी यूनियन के बैनर के नीचे सढ़ौरा के बिजली बोर्ड दफ्तर के बाहर आकर धरना प्रदर्शन लगा देते हैं। ऐसे किसान भी मानते हैं कि सारे जिले में किसी भी बिजली बोर्ड के दफ्तर के बाहर इतने धरने प्रदर्शन उनके द्वारा नहीं किए जाते जितने सढ़ौरा के दफ्तर के बाहर होते रहते हैं। आज भी एक विषय आया और धरना प्रदर्शन लग गया। विषय यह था कि जो उनके खेतों के कनेक्शन है उसके लिए मीटर का फ्लैट रेट जो है वो लिया जा रहा था, 3151 रुपए चार्ज किया जा रहा था। किसानों को यह कहना था कि इस बारे में वो एससी एक्शन यमुनानगर जाकर मिल लिए थे और उन्होंने कह दिया था केवल 100 रुपए पावर चार्ज आप जमा कराएं, आपको 3151 रुपए देने की जरूरत नहीं है। मगर उसके बावजूद भी जो सढ़ौरा विद्युत विभाग का एसडीओ हैं उनके द्वारा ये चार्ज लगातार लिया जा रहा था। इससे किसानों में रोष था और ये भी रोष था कि एडियो साहब का रवैया और उनके कुछ कर्मचारियों का रवैया भी सही नहीं है। इस कारण से आज उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया। अपना भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप जनक राज जी, सतपाल माणिकपुर और जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर जी वो आए, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चोर जुर्म की टक्कर में जन हमारा नारा है, चोर जुर्म की टक्कर में जन हमारा नारा है। तो देख सकते हैं आप, किसान नारेबाजी करने पर विवश हो रहे हैं और विषय वास्तव में गंभीर है। जब बात उच्च अधिकारियों से हो गई कि भाई ऐसा 3151 रुपए कोई आपने चार्ज नहीं करना, फिर ऐसा क्यों? पूरे चार पांच साथी और हम ऐसे हिसाब से मिले थे भाई, जो 3151 रुपए तक जो मीटर के ले रहे हैं वो लेने नहीं चाहिए। तो ऐसे हिसाब ने कहा 100 रुपए लोड के हिसाब से आप जमा करा तो 100 रुपए पावर के हिसाब से, बाकी कोई मीटर का पैसा नहीं देना। उसके बावजूद भी ये किसान एसडीओ साहब के मिले तो एसडीओ साहब ने कहा भी मैं कन्फर्म कर दूंगा। उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए और आज एसडीओ साहब ने हमारी बात को मानते हुए भाई कोई मीटर के पैसे लेंगे उसके, और जब फ्लैट रेट का है 12 तो उसके लोड बढ़ा हुआ मीटर ना मीटर में बिल में लग के आने चाहिए। ये भी हमारी शर्त है किसानों की। और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं बिजली के बिलों वगैरह, तो आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन के बाद ही यह मुद्दा पूरा हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? जब किसान उनसे बातचीत करने के लिए आते हैं तो वो इस प्रकार के मुद्दों को आगे क्यों टाल मटोल कर देते हैं या क्यों नहीं मानते, जबकि ये क्लियर हो जाने चाहिए थे। आखिरकार क्यों किसानों को फिर दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ता है? समय दोनों तरफ का जाया होता है, आम जनता को भी नुकसान होता है। देख सकते हैं आप, एसडीओ विद्युत विभाग को अब दरी पर बिठाए हुए उनसे वहीं पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा उनके द्वारा क्यों किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस विषय को लेकर एसडीओ विद्युत विभाग और किसान यूनियन के पदाधिकारी आपस में खूब चर्चा कर रहे हैं और साथ ही एसएचओ मैम सिंह भी बैठे हैं, कोई अनहोनी अप्रिय घटना ना घटे इस कारण से बीच बचाव में वो भी बैठे हुए हैं और लगातार वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर आपने कोई दिक्कत हो हम आपके साथ चले चलो जो आप करो एक मिनट तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि विभाग द्वारा ऐसा कोई निर्देश ना हो और उसके बाद अलग से कोई यहाँ निर्देश दिए जाए तो इससे फिर फजीहत ही होती है और वो सब आज हुई भी। ऐसा कोई आदेश निर्देश नहीं जारी करना चाहिए कि जबकि कोई विभाग ने ना दिया हो या वापस ले लिया तो उसको फिर अपने आप ढंग से उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिससे फिर बात आगे बढ़ती है। ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं फिर समाज में भी फजीहत जो होती है
वो आज आपके सामने भी है। वास्तव में किसानों की जो जायज समस्याएं उनका तत्काल ही समाधान होना चाहिए। किसानों को भी शौक नहीं रहता, कोई चाव नहीं रहता कि सड़क पर बैठे, दरी बिछाकर बैठे और धरना प्रदर्शन करें। उनकी शोभा जो है खेतों में काम करने को ही लेकर होती है और ऐसा वो करते भी हैं, और फिर यहाँ पर इस प्रकार से धरने प्रदर्शन करने पर उन्हें विवश भी होना पड़ता है और मांग भी लगभग जायज ही होती है और जायज मांग को तो पहले से ही पूरा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो जब तक ये फ्लैट रेट के जो टिबल हैं उनके हम उच्च अधिकारियों को लिख के भेज दिया जाएगा, ये मीटर के पैसे चार्ज नहीं होने चाहिए क्योंकि ये फ्लैट रेट का टिबल था, इसलिए जब तक वो वहाँ से कोई डिसीजन नहीं आता तब तक कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। और लोड जब तक आएगा तब तक लोड करा हाँ, कोई बात नहीं, जो और मुद्दे हैं उनको बिल बैठ के धन्यवाद जी। एसडीओ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवी प्रधान जी आ जाओ। भारतीय किसान यूनियन सुभाष गुज्जर आगे बढ़ो। किसानों के मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि सरकार ही ऐसी है। और आज सढ़ोरा में बहुत बड़ा मुद्दा था जो सरकार ने कनेक्शन 12 कनेक्शन पर लोड बढ़वाने की जो स्कीम करी थी, पहले तो उसमें अनाप शनाप मोटर का बिल मांगते थे, वो भारतीय किसानों के हमारे प्रदेश रतन मान जी के प्रयास से वो हटाई गई स्कीम। और अब मीटर के जो मीटर फ्लैट रेट 12 के जो कनेक्शन है उन पे मीटर के पैसे यहाँ सडोरे में 5100 रुपये 3100 रुपये पता नहीं क्या सडोरे में ही था, ये पूरे ज़िले में कहीं नहीं था। और हमने अपना जो हमारे जनक प्रधान है ब्लॉक प्रधान है एससी साहब को मिले 10 किसानों को लेके, एससी साहब ने कहा कि कोई मीटर का पैसा नहीं देना आपने और 100 रुपये पावर के हिसाब से जमा करा दो, तो एसडीओ साहब ने फिर नहीं मानी। और आज हमारी यूनियन के जो पूरे भारतीय किसान यूनियन आए राजनीतिक संगठन हमारा आज यहाँ इकट्ठे हुए और एसडीओ ने मौके पर आने के सारी शर्तें मान ली और छोटी मोटी जो भी हमारे किसानों के बिजली से जुड़े मुद्दे थे एसडीओ ने कहा भी आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी, तो आज हमने 1 घंटे धरना करके हमने समाप्त कर दिया। तो आश्वासन एसडीओ की तरफ से पूरा मिल गया जी? आश्वासन नहीं जी, लिखित में लेंगे हम अभी अपने लेटर पैड में लिखित में लेंगे, लिखित में देगा हमारे को और मीटर में भी बिलों में भी कोई पैसे नहीं लग के आएंगे मीटर के, ये भी उन्होंने वादा किया। और अगर मुकरेगा फिर बैठे फिर हम कहाँ चले गए, ये पूरी फौज फिर तैयार है कभी भी टाइम। देखो संतुष्ट होना पड़ता है, ये तो हम 13 महीने दिल्ली में बैठे वहाँ भी आश्वासन कोई उठे लेकिन वादा खिलाफी की प्रधान झूठा प्रधानमंत्री निकला, अब उसका भी इलाज हमारे जो हमारे किसान मोर्चा के नेता हैं वो तैयारी में है, उसका भी इलाज दोबारा करेंगे। एमएसपी को लेकर और जो अन्य लखीमपुर खीरी वाला मुद्दा किसानों में मुकदमे वापस कई मुद्दे थे, अब सरकार ने झूठ बोल के किसानों को वहाँ एक बार उठाया लेकिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी दोबारा प्रयास से दोबारा आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपने देखा है एक मुद्दा गरमाया, फिर आपस में बहस हुई, नारेबाजी हुई, बीच बचाव हुआ, SHO भैम सिंह को बीच में आना पड़ा और किसानों ने भी अपना उग्र रूप दिखाया, रोज प्रदर्शन किया और फिर बातचीत के माध्यम से इसका हल हुआ है, जो कि पहले से अगर हल हो जाता तो ऐसा इतना ये नौबत ना आती, दोनों पक्षों का समय इसमें बर्बाद हुआ, आपस में तनतनी भी हुई, बहसम बहसाई भी हुई। तो कुल मिलाकर समय रहते इस प्रकार के विवादों को पहले से ही जन्म नहीं देना चाहिए ताकि आगे इतनी बात ना खींचे और किसी प्रकार का कोई भी तनाव का माहौल यहां पर। तो ये थी स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।